जय श्री राम, बोलो हनुमान बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, हनुमान जयंती पर देखिए किस तरह से मनाई गई हनुमान जयंती हमारे मंदिर में। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए एक दिन पहले ही देखिए मंदिर में कितनी अच्छे से तैयारी हो चुकी है। बलून वगैरह लगा दिए हैं हनुमान जी के बर्थडे पर। देखिए सभी ने देखिए बहुत देखिए अच्छे से देखिए सभी चीज़ें तैयारी की है। देखिए बहुत प्यारा सा मंदिर हमने सजवाया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। तो सभी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ मैं अंदर का व्यू भी, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से देखिए सजाया गया है। देखिए हैप्पी बर्थडे का बैनर भी यहाँ पर लगाया गया है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर देखिए हमारा सज के तैयार हो गया था। तो आप देख सकते हैं अंकल वगैरह सभी लोग देखिए लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पापा जी भी यहाँ पर हैं। तो देखिए सभी ने बड़े बढ़ चढ़ कर सभी ने भाग लिया और देखिए अच्छे से सब मंदिर को सजाया गया। देखिए हनुमान बाबा हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी देखिए और भी अच्छे लगेंगे आपको आगे की वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें। देखिए ये इधर साइड हनुमान जी के ऊपर देखिए अच्छे से देखिए डेकोरेशन इस तरह से कर दी है। उसके बाद देखिए सारे मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है फूलों से, बलून से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हनुमान जयंती मनाई गई और बाबा का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि सुंदरकांड का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। तो देखिए किस तरह से हुआ। देखिए आरती का आयोजन किया गया, सभी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। आरती के बाद देखिए फ्रेंड्स, भंडारे का भी आयोजन किया गया था। तो भंडारे का एक तरफ काम चल रहा था, तो भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। तो देखिए बहुत अच्छे से हनुमान जयंती का उत्सव जो है मनाया गया मंदिर में। तो सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही मनमोहक ये कार्यक्रम रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको दिखाएंगे कि बर्थडे केक भी काटा गया है। तो देखिए बच्चों से बर्थडे केक भी हनुमान बाबा का कटवाया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन था, तो भंडारा स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कन्याओं को भोग लगाया जाता है, तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराया गया, बाद में सभी को श्रद्धालुओं को भोजन परोसा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये हनुमान जयंती का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।